क्या क्या डाला है इसमें? तेल डाले, तेल डाले, नमक डाले, प्याज डाला, लहसुन अदरक पेस्ट डाला है, ड्राई बम्बू शूट और वेट बम्बू शूट डाला है, और थोड़ा हल्का सा रिफाइंड ऑयल डाला है, और ये रिफाइंड ऑयल और ये सब मिक्स है। अच्छा अच्छा, इसमें मिक्स्ड हर्ब्स है और ये जिंजर गार्लिक चिल्ली का पेस्ट था, रिफाइंड ऑयल है, नमक है और ये ड्राई बैम्बू शूट है। तो ये सब इसमें डाल के मिक्स किया गया है। ये देखो, वाओ, देखो लोकल हर्ब्स, हमारे यहाँ पे पूरा ऑर्गेनिक होता है। बनाने वाले मेरी अनी है। इसको पूरा अच्छी तरह से मिक्स किया जाएगा। हर्ब्स को पूरा मज्जा से मिला रहे हैं, रख ली वो करें बराबर में। बाद में दिखाएंगे कैसा होता है पूरा पकने के बाद भी। इतना अच्छा लग रहा है, देखो बहुत टेस्टी हो गई है। इसको भी कहाँ डालेगा? भाभी है मेरी, पत्ता में दिखा दे। ये हमारा लोकल पत्ता होता है, हम लोग यहाँ पे कुछ स्टीम करना हो तो भी इस तरह का पत्ता यूज़ करते हैं हम लोग, और अगर राइस खाना हो तो राइस भी इसी पत्ते में खाते हैं। इसको जंगल से तोड़ के लेके आते हैं, ज़्यादातर लड़के ये काम करते हैं पत्ता तोड़ने वाला। इसको हम लोग ओको पत्ता बोलते हैं, ओको पत्ता। इसको तोड़ने के बाद अच्छे से साफ करके रखता है, अच्छे से साफ करके रखा जाता है ताकि इसमें कोई गंदगी ना हो। और अभी इसको इस तरह से रख करेंगे, अभी इसको इस तरह से फोल्ड करते हैं पत्ता को, ऐसे करके इसको और उल्टा करके ऐसे ऐसे। और इसके ऊपर रस्सी बांधेंगे, रस्सी, ये सूता है, धागा है, ये धागा बांध लेंगे इस तरह से। और ये है प्लेट जिसमें मोमो बनाते हैं, इसमें स्टीम करेंगे। बांधा जा रहा है, देखिए बहुत अच्छी तरह से, ताकि कुछ लीकेज ना हो और अच्छी तरह से स्टीम हो जाए। ऐसे करके इसमें एक हो गया, एक और आ जाएंगे यहाँ पे। घर पे बहुत सारे लोग आए हुए हैं, ये मेरा भैया है अजी। ये हो गया, देखिए दो, इसको इसके ऊपर और ऐसे रखेंगे, प्रेस करके इसके ऊपर और डब्बे पे डब्बा ऐसे करके रखेंगे। ये देखिए पैन,
पानी गर्म होने के लिए रखा है, इसके ऊपर में वो बर्तन ऐसे करके रखे हैं। ये देखिए अभी बन के तैयार है, तैयार नहीं है मतलब पिथाया है अभी इसमें। पक गया देखिए।